हम सभी इस प्लेट को निकाल चुके हैं। हेलो गाइज, मैं हूं प्रकाश और आज के जो मेरा वीडियो होने वाला है वो डेल लैपटॉप की बैटरी के ऊपर होने वाला है। तो देखिए, मेरे पास ये डेल लैपटॉप की बैटरी है और ये बैटरी देखिए फूल चुकी है। इसमें 4 सेल लगाई गई है देखिए, और ये 1 सेल जो है यहाँ पे देखिए वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, फूल चुकी है। तो गाइज, हम देखना ये चाहते हैं कि आखिरकार बैटरी के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है जो बैटरी फूलने पर मजबूर हो जाती है दोस्तों। ये भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी सेल अच्छी है और कौन सी सेल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो गाइज यार, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। फटाफट से मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइज, अब मैं इस बैटरी को ओपन करने वाला हूं। तो गाइज देखिए, इसमें बहुत सारे देखिए ऊपर से कवर की गई है। तो गाइज यार, इस वीडियो में जो भी दिखाया गया ऐसा कहीं भी किसी भी वक्त करने की कोशिश ना करें दोस्तों। तो भाई देखिए, इसमें जो एक जो लैपटॉप की बैटरी है वो देखिए, इसमें पूरी तरह से ये सेल देखिए बाहर आ चुकी है। और गाइज देखिए, इसमें 4 सेल लगी हुई है। तो गाइज यार, आप देख ही चुके हैं कि लैपटॉप के अंदर बैटरी इस प्रकार से होती है दोस्तों। देखिए गाइज यार, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और गाइज, ये जो बैटरी है देखिए फूल चुकी है, ओ भाई। और गाइज देखिए, बैटरी के अंदर में इस प्रकार की ये लगा दी जाती है ताकि अगर जो बैटरी हीट होती है तो हीट को ये ऑब्जर्व करके बाहर हीट को रिजेक्शन कर सके दोस्तों। तो आइए हम इस बैटरी को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। तो गाइज यार देखिए, ओ भाई देखिए, ये जो बैटरी है ये सिंगल बैटरी हो गई है। तो गाइज यार, ये जो बैटरी है बहुत थोड़ा डेंजरस लग रहा है। हम इस बैटरी को पहले साइड कर देते हैं दोस्तों, कहीं शॉर्ट सर्किट कुछ वगैरह हो जाए तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। देखिए, ये एकदम पूरी तरह से टपाटप फूला हुआ है। देखिए गाइज यार, देखिए इसको पटकने पर ये उछलता भी है। आप देख ही रहे हैं कि ये देखिए बैटरी का कवर है, यहाँ पर देखिए डेल लिखा हुआ भी है देखिए। और गाइज, इससे 4 सेल हम देखिए निकाल चुके हैं। तो गाइज, 2 सेल इसमें जो 2 सेल लगा हुआ है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ये तो अभी भी फूला हुआ है दोस्तों, लेकिन ये फूलने के बाद थोड़ा ये पचक चुका है यार। ये जो मदरबोर्ड है वो लैपटॉप के 6.3 वोल्ट ही सप्लाई देता है आउटपुट दोस्तों। अब रह गई बात चार्ज करने की, तो आपके पास जितना एम्पियर का चार्जर है, यानी कि जो लैपटॉप के साथ में चार्जर दी गई है, उसी चार्जर से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो लाइफ है बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो गाइस यार, आप देख ही चुके हैं कि इसमें 2 बैटरी अच्छी है और 2 बैटरी का बाजा बज चुकी है दोस्तों। तो आइए हम पहले इस बैटरी को हम देखते हैं कि आखिरकार इस बैटरी के अंदर क्या है जो इतनी ज्यादा फूल चुकी है। तो पहले मैं इस बैटरी को इस सर्किट बोर्ड से हम डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ये सभी बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, देख रहे हैं कि कितना मस्त लग रहा है ये बैटरी। और यहाँ पे देखिए 3 सेल, ये देखिए फूला हुआ बैटरी है। तो आइए हम सबसे पहले इस बैटरी के ऊपर चलते हैं, पहले हम इसे देखते हैं कि आखिरकार इस बैटरी के अंदर में क्या क्या चीज़ ऐसा है जो गाइस अभी भी ये फूला हुआ है। और सबसे पहले मैं इस बैटरी का गैस को बाहर हम निकालते हैं, तो इसे थोड़ा लीकेज करना पड़ेगा दोस्तों ताकि ये जो इसका अंदर जो गैस है वो निकल सके। तो हम इसमें एक छोटा सा कट लगाते हैं। तो गाइस देखिए, हम इसमें कट लगा चुके हैं और इसका अंदर का जो गैस है पूरी तरह से निकल चुकी है। देखिए आज इसका जो गंध बहुत ख़राब ही लग रहा है दोस्तों। तो गाइस आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छे से अच्छी तरह से इस बैटरी को बनाई जाती है। ओ भाई ये देखिए सेल, ओ भाई गजब है भाई। ये कॉपर की प्लेट है भाई, आप इस प्लेट को जो देख रहे हैं ये कॉपर की प्लेट है। देखिए देखिए आवाज़ हो रही है, यानी कि ये कॉपर फॉइल है। ओ भाई बहुत ही मस्त है, मैं इसे किसी भी चीज़ में यूज करने वाला हूँ। सभी हम कॉपर की प्लेटें को अलग निकालते हैं दोस्तों। पर देखिए कॉपर की प्लेट लगी हुई है और हम सभी कॉपर की प्लेट 1
जगह इकट्ठा कर लेता हूँ। आप जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की जो देख रहे हैं, यही इसी के अंदर चार्ज स्टोर होती है दोस्तों। ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है हीट होने के कारण। देखिए ये जो फॉयल के ऊपर भी, जो कॉपर फॉयल है इसके ऊपर में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ चुका है दोस्तों। अब देखिए नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ये पेपर दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर ये बैटरी चार्ज होती तो भाई आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या क्या होता, तुरंत ही आग पकड़ लेता ये बैटरी। एक साथ जब मैं इसके ऊपर में रखता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हीट होने लगता है दोस्तों, भाई हीट होता है ये। ये देखिए इतना सारा कॉपर की प्लेटें हैं और यहाँ पे देखिए ये वाली प्लेट है। ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं ये इंसुलेशन होता है, दोनों प्लेट के बीच में होता है ताकि शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। ये जो बैटरी की प्लेटें हैं देखिए इस प्रकार से होती है। ये देखिए दूसरी प्लेट है और गाइज एक जो प्लेट होती है कॉपर की प्लेट है और दोनों प्लेट के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक का जो आप देख रहे हैं इस तरह का केमिकल लगी हुई होती है दोस्तों। किस तरह का, ये कॉपर की फॉयल इसमें लगी हुई थी। हम देखना ये चाहते हैं कि जो बैटरी है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है या नहीं ख़राब हुई दोस्तों। तो हम देखिए इसे, एक मोटर है मेरे पास, हम इस मोटर को चला कर देखते हैं। तो गाइज यार इस बैटरी में देखते हैं, तो गाइज यार ये भी बैटरी देखिए पूरी तरह से पावर जनरेट कर रही है, यानी कि ये दोनों बैटरी सही है दोस्तों। और हम इस बैटरी को देखते हैं, तो गाइज इसमें देखिए दो बैटरी ख़राब हो चुकी थी, एक ये ख़राब है, एक बैटरी को मैं खोल चुका हूं दोस्तों। ये दोनों बैटरी पूरी तरह से अच्छी है, हम चाहेंगे तो किसी भी चीज़ में इस बैटरी को यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बैटरी पावर है इसको दोस्तों। आप देख चुके हैं कि लैपटॉप की बैटरी पूरी तरह से ख़राब नहीं होती है, यानी कि एक बैटरी ख़राब हो जाने के कारण पूरी तरह से सभी बैटरी ख़राब हो जाती है दोस्तों। देखिए इसका जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में कुछ खराबी आ जाने के कारण बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि एक बैटरी ख़राब हो गई दोस्तों। एक बैटरी में ख़राब होने के कारण इस मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आई और ये मदरबोर्ड में कुछ छोटा सा कंपोनेंट एक ख़राब हो गया और आपका बैटरी पावर का सप्लाई देना बंद कर दिया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो पूरी तरह से बैटरी खराब हो गई दोस्तों। तो अगर आपके पास भी पुराने बैटरी है दोस्तों तो उस बैटरी को आप दूसरे चीज में उसे उपयोग कर सकते हैं, लाइट बना सकते हैं, टॉर्च बना सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो लेकिन हाँ गाइज बहुत ही ज्यादा सेफ्टी रखते हुए, क्योंकि बैटरी जो होती है अगर शॉर्ट सर्किट होने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। तो गाइज यार आज का जो मेरा वीडियो है यहीं तक था, तब तक के लिए जय हिंद।